भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन में सकट चौथ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध मोटे गणेश मंदिर में प्रातःकाल से ही भक्तों का तांता लग गया। प्रातःकाल सर्वप्रथम भगवान गणेश का पंचामृत एवं जड़ी बूटियों से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात उनका सुंदर श्रृंगार कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। तत्पश्चात भव्य आरती का भी आयोजन हुआ। सायंकाल भगवान गणेश का छप्पन भोग लगाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, मीठे एवं नमकीन पकवान आदि का भोग लगाया गया। भक्त दूर दूर से गणेश जी के दर्शन करने आते रहे और पुण्य लाभ अर्जित करते रहे। इस दौरान मुख्य रूप से मोटा गणेश मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्याम सुंदर, श्री गोपाल वशिष्ठ, एडवोकेट सतीश गोस्वामी, भारत मनीष राजकुमार, श्याम कुमार, नटवरलाल कन्हैया लाल, अजीत कुमार आदि उपस्थित रहे। बोलिए मोटा गणेश महाराज की जय। आज जो है हम सभी को विदित है कि हम सभी जो है पूरे भारतवर्ष में सकट चौथ का महोत्सव मना रहे हैं और सकट चौथ जो है गणेश जी का विशेष दिन है। और आज जो है हम सभी वृंदावन सभी यहाँ मोटा गणेश मंदिर जहाँ पर छप्पन भोग का आयोजन हुआ है और पिछले कई वर्षों से लगातार होता हुआ आ रहा है और आज जो छप्पन भोग का सभी ब्रजवासी दर्शन भी कर रहे हैं प्रतिवर्ष की भांति। और जो स्वयं प्रकट मूर्ति जो हम देख रहे हैं सामने श्री मोटा गणेश मित्र है और स्वयं विराजमान है, उनका लाभ हम सभी भक्तों को मिलता है और सभी भक्त जो है छप्पन भोग का आनंद है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।